नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बजट 2021 से बिहार में रोजगार की बहार, स्वास्थ्य विभाग में जल्द होगी 2798 पदों की बहाली। बजट में युवाओं पर फोकस, हर जिले में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर और 12 नए मेडिकल कॉलेज, जाने 30 खास बातें। बिहार बजट से शिक्षा विभाग में रोजगार पर जोर, सभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। 20 लाख रोजगार, शिक्षा समेत इन क्षेत्रों पर नीतीश सरकार का पूरा ध्यान। सीएम नीतीश के गृह जिले में नल जल योजना का बुरा हश्र, पानी भरते ही धड़ाम से गिरी टंकी, नीचे दब गया ऑपरेटर। हाजीपुर स्थित पासवान चौक पर बनेगा फ्लाईओवर, गांधी सेतु के बाद लगने वाले जाम से मिलेगा निजात। कोरोना की वापसी, महाराष्ट्र में पाबंदी देख बिहार भी अलर्ट मोड में, पटना में केस बढ़े। बिहार की आपत्ति के बाद बदला फैसला, पटना में ही रहेगा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय। जेडीयू के बाद बीजेपी ने दिया चिराग को झटका, एमएलसी नूतन सिंह भाजपा में शामिल। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक, बजट सत्र में एकजुटता के साथ विपक्ष को जवाब देगा सत्ता पक्ष। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में रोजगार का मुद्दा छाया रहा था। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो हर कैबिनेट बैठक में बिहार में नौकरी को लेकर बात हुई। अब सोमवार को विधानमंडल में पेश किए गए बजट में 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात वित्त मंत्री ने की है। बिहार बजट में स्वास्थ्य विभाग में नई नियुक्तियों और नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सह उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भाषण बजट में बताया कि सेवाओं में सुधार के लिए राज्य में कुल 2798 पारा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। इसमें दवाओं के भंडारण और वितरण के लिए 1539 फार्मासिस्टों, हृदय रोगियों के जांच के लिए 163 ईसीजी टेक्नीशियन और ऑपरेशन थिएटरों में चिकित्सकों के सहयोग के लिए 1096 ओटी असिस्टेंटों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार ने 2021-22 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को विधानसभा में 2021-22 के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। पिछली बार की तुलना में यह 7,000 करोड़ से अधिक का बजट है। वैसे तो इस बजट में सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ है, लेकिन फोकस युवाओं पर है। पहली बार वित्त मंत्री बने तारकिशोर प्रसाद ने 20 लाख से अधिक नए रोजगारों के अवसर पैदा करने की घोषणा की है। बजट में शिक्षा, गाँव के विकास, स्वास्थ्य, रोजगार और युवाओं के बेहतर भविष्य को फोकस करते हुए 28 जिलों में 12 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की गई है। कोई भी महिला उद्योग लगाना चाहती है तो उसे 5 लाख की सहायता और 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त कर्ज दिए जाएंगे। लड़कियों को इंटर की पढ़ाई के बाद 25,000 और स्नातक डिग्री के बाद 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। चलिए जानते हैं युवाओं के लिए क्या है इस बजट में। 3 नए विश्वविद्यालय बनेंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल और तीसरा खेल का। 28 जिलों में खुलेंगे 12 नए मेडिकल कॉलेज, 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं को स्किल्ड करने के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खुलेंगे। आईटीआई और पॉलिटेक्निक सेंटरों को आधुनिक बनाया जाएगा। हर मंडल में टूल रूम बनाए जाएंगे। हर प्रमंडल में ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे। उच्च स्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा। 20 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक का अनुदान, साथ ही 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिए जाएंगे। बिहार की नीतीश सरकार ने अपने बजट में सर्वाधिक बड़ी हिस्सेदारी शिक्षा के लिए तय की है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में शिक्षा विभाग का बजट 38,035.93 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। इसमें राजस्व मद में 36,971.29 करोड़ रुपए एवं पूंजीगत मद से 1,064.64 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रस्तावित बजट में राज्य सरकार ने कहा है कि वह शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियोजन करेगा, तभी रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बजट प्रस्ताव में सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। बजट अभिभाषण में दावा किया गया है कि इसी अवधि तक माध्यमिक शिक्षा सभी के लिए सुलभ करा दी जाएगी। बजट प्रपत्र के मुताबिक डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कक्षा 6 और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 में की जाएगी।
बिहार का आम बजट सोमवार को विधानमंडल में पेश हो गया। वर्ष 2021-22 कुल बजट का आकार 2,18,302.70 करोड़ का है। डिप्टी सीएम बने तारकिशोर प्रसाद ने पहली बार बजट पेश किया। कोरोना काल में पेश होने वाला यह बजट कई मायने में बेहद खास है। इस बजट में साफ दिखा कि नीतीश सरकार का पूरा ध्यान 20 लाख से ज्यादा रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई अन्य मुद्दों पर है। सीएम नीतीश ने इस बजट का स्वागत करते हुए इसे संतुलित बजट बताया है। सीएम ने कहा कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में रही है, उसे यह बजट और गति देगा। इस बार के बजट में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कुछ पैसे ज्यादा ही निवेश करने वाली है। सोमवार को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया गया। इस बार का बजट नीतीश सरकार ने सात निश्चय पार्ट टू को ध्यान में रखकर तैयार किया है, लेकिन सवाल यह है कि सात निश्चय पार्ट वन की ही कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो सरकारी काम को आईना दिखा रही है। ताज़ा मामला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा का है, जहां सीएम का सपना ध्वस्त होकर जमीन पर गिर गया। दरअसल नल जल योजना की टंकी पानी भरते ही धड़ाम से नीचे गिर गई। मामला नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड की है, जहां वार्ड नंबर 3 में नल जल योजना की टंकी पानी भरते ही ध्वस्त होकर नीचे गिर गई। जिन लोगों को सीएम ने स्वच्छ जल पहुंचाने का वादा किया था, दरअसल उनके इस वादे का ही बुरा हश्र हो गया। नालंदा के अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में ऐसी ही स्थिति है। जलापूर्ति की पाइप से लेकर नल की टोटी तक घटिया इस्तेमाल हो रही है। कहीं नल लगे हैं तो उसकी टोटी गायब हो चुकी है, कहीं पाइप फट चुकी है और पानी सड़क पर बह रही है। बिहार सरकार गांधी सेतु के बाद हाजीपुर स्थित पासवान चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कराएगी। सरकार की तरफ से पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बिहार विधान परिषद में इसकी जानकारी दी है। नितिन नवीन ने कहा है कि पासवान चौक पर लगने वाले जाम से लोगों को अगले कुछ वर्षों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वहां फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव है। दरअसल बिहार विधान परिषद में प्रश्नोत्तर काल के दौरान जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने यह मामला उठाया, जिसके बाद पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। इस साल में कोरोना की नई लहर की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखकर कई तरह की पाबंदियां लगाई है। महाराष्ट्र में रैली, धार्मिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र के अमरावती को 7 दिनों के लिए ब्लॉक कर रख दिया गया है, जबकि पुणे में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में अलर्टनेस को देखते हुए बिहार सरकार भी एक्टिव हो गई है। बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और डीजीपी एसके सिंघल ने आदेश जारी कर कहा है कि संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले इलाकों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित अवधि का लॉकडाउन लगाया जाए। सरकार ने कहा है कि सभी डीएम और एसपी कोरोना वायरस गाइडलाइन का पालन करवाए और भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों की मौजूदगी पर नजर रखे। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा की तरफ से की गई पहल का असर दिखा है। अब गंगा पार नियंत्रण आयोग का मुख्यालय लखनऊ शिफ्ट नहीं किया जाएगा, मुख्यालय का कार्यालय पटना में ही बना रहेगा। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत की थी और उसके बाद फैसला बदला है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की। केंद्रीय मंत्री ने इसे सिरे से खारिज करते हुए आश्वस्त किया कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में ही रहेगा, इसे हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग यानी GFGC जल संसाधन मंत्रालय के अधीन आने वाला कार्यालय है। इसका मुख्यालय पटना में ही रहेगा। साल 1972 में इसकी स्थापना हुई थी और तब से मुख्यालय यहीं पर है। बाढ़ प्रबंधन की योजनाओं में आयोग की अहम भूमिका होती है। पटना में मुख्यालय रहने के पीछे बड़ी वजह यह है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बिहार में सबसे ज्यादा है। यह खबर राजनीतिक गलियारों से है, जहां LJP को एक और बड़ा झटका लगा है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री नीरज कुमार सिंह की पत्नी नूतन सिंह ने BJP का दामन थाम लिया है। BJP नेता नीरज कुमार सिंह की पत्नी नूतन सिंह LJP की MLC है।
हाल ही में एलजी के 208 कार्यकर्ता व नेता चिराग पासवान का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। एक के बाद एक एलजेपी के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज पार्टी के विधान परिषद की सदस्य नूतन सिंह का नाम जुड़ गया है। नूतन सिंह ने आज बीजेपी का सदस्यता हासिल की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की उपस्थिति में नूतन सिंह ने बीजेपी की सदस्यता हासिल की है। बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, हम और वीआईपी के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हुए। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, श्रवण कुमार समेत एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए। बजट सत्र में एनडीए के विधायक और विधान पार्षदों की रणनीति क्या होगी, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिशा निर्देश दिए। पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री ने जदयू विधानमंडल की बैठक बुलाई थी, जिसमें पार्टी के दोनों सदनों के सदस्यों को सदन में किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, इसकी जानकारी दी गई थी। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।